यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। तब उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहां पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं, और जो कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को बताए। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक भीत थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी जो साधारण हाथों से 24 अधिक है। सो उसने भीत की मोटाई मापकर बांस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर की पाई। तब वह उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था, और उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों डेवड़ियों की चौड़ाई मापकर एक एक बांस भर की पाई, और पहरे वाली कोठरियां बांस भर लंबी और बांस भर चौड़ी थी, और दो दो कोठरियों का अंतर 5-5 हाथ का था, और फाटक की डेवड़ी जो फाटक के ओसारे के पास भवन की ओर थी वह भी बांस भर की थी। तब उसने फाटक का वह ओसारा जो भवन के सामने था मापकर बांस भर का पाया, और उसने फाटक का ओसारा मापकर 8 हाथ का पाया, और उसके खंभे 2-2 हाथ के पाए, और फाटक का ओसारा भवन के सामने था, और पूर्वी फाटक की दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी जो सब एक ही माप की थी, और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के थे। फिर उसने फाटक के द्वार की चौड़ाई मापकर 10 हाथ की पाई, और फाटक की लंबाई मापकर 13 हाथ की पाई, और दोनों ओर की पहरे वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान था, और दोनों ओर कोठरियां 6-6 हाथ की थी। फिर उसने फाटक को एक ओर की पहरे वाली कोठरी की छत से लेकर दूसरी ओर की पहरे वाली कोठरी की छत तक मापकर 25 हाथ की दूरी पाई, और द्वार आमने सामने थे। फिर उसने 60 हाथ के खंभे मापे, और आंगन फाटक के आसपास खंभों तक था, और फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उसके भीतरी ओसरी के आगे तक 50 हाथ का अंतर था, और पहरे वाली कोठरियों के फाटक के भीतर चारों ओर के कोठरियों के बीच के खंभे के बीच में झिल्ली मिलीदार खिड़कियां थी, और खंभों के ओसरों में भी वैसे ही थी, और फाटक के भीतर के चारों ओर खिड़कियां थी, और हरेक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। तब वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया, और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थी, और एक फर्श बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थी, और यह फर्श अर्थात निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ था और उनकी लंबाई के अनुसार था। फिर उसने निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी आंगन के बाहर के आगे तक मापकर 100 हाथ पाए, और पूर्व और उत्तर दोनों ओर ऐसा ही था। तब आंगन के उत्तरमुखी फाटक की लंबाई और चौड़ाई उसने मापी, और उसकी दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी, और इसके भी खंभों के ओसरों की माप पहले फाटक के अनुसार थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी, और इसकी भी खिड़कियों और खंभों के ओसरे और खजूरों की माप पूर्वमुखी फाटक की सी थी, और इस पर चढ़ने को 7 सीढ़ियां थी, और
उनके सामने इसका ओसरा था और भीतरी आंगन की उत्तर और पूर्व ओर दूसरे फाटकों के सामने फाटक थे और उसने फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की पाई। फिर वह मुझे दक्षिण ओर ले गया और दक्षिण ओर एक फाटक था और उसने इसके खंभे और खंभों का ओसारा मापकर इनकी वैसी ही माप पाई और उन खिड़कियों की नाई इसके और इसके खंभों के ओसारों के चारों ओर भी खिड़कियां थी। इसकी भी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी और इसमें भी चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी और उनके सामने खंभों का ओसारा था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और दक्षिण ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था और उसके दक्षिण ओर के दोनों फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की पाई गई। तब वह दक्षिणी फाटक से होकर मुझे भीतरी आंगन में ले गया और उसने दक्षिणी फाटक को मापकर वैसा ही पाया, अर्थात इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके ओर इसके खंभों के ओसरे के भी चारों ओर भी खिड़कियां थी और इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी और इसके चारों ओर के खंभों का ओसारा भी 25 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था और इसका खंभों का ओसारा बाहरी आंगन की ओर था और इसके खंभों पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की ओर भीतरी आंगन में ले गया और उस ओर के फाटक को मापकर वैसा ही पाया और इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे और इसके खंभों के ओसारे के चारों ओर की खिड़कियां थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसका ओसारा भी बाहरी आंगन की ओर था और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर भी चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा और उसकी भी माप वैसी ही पाई। उसके भी पहरे वाली कोठरियां और खंभे और उनका ओसारा था और उसके भी चारों ओर खिड़कियां थी। उसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। उसके खंभे बाहरी आंगन की ओर थे और उन पर भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और उसमें चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर फाटकों के पास के खंभों के निकट द्वार समेत कोठरी थी जहां होमबलि धोया जाता था और होमबलि पापबलि और दोषबलि के पशुओं के वध करने के लिए फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर दो मेजे थी और फाटक की एक बाहरी अलंग पर अर्थात उत्तरी फाटक के द्वार की चढ़ाई पर 2 मेजे थी और उसकी दूसरी बाहरी अलंग पर भी जो फाटक के ओसारे के पास थी 2 मेजे थी। फाटक की दोनों अलंगों पर 4 मेजे थी, सो सब मिलकर 8 मेजे थी जो बलि पशु वध करने के लिए थी। फिर होमबलि के लिए तराशे हुए पत्थर की 4 मेजे थी जो 1.5 हाथ लंबी 1.5 हाथ चौड़ी और हाथ भर ऊंची थी। उन पर होमबलि और मेलबलि के पशुओं को वध करने के हथियार रखे जाते थे। भीतर चारों ओर 54 भर की आंकड़ियां लगी थी और मेजों पर चढ़ावे का मांस रखा हुआ था और भीतरी आंगन की उत्तरी फाटक की अलंग के बाहर गाने वालों की कोठरियां थी जिनके द्वार दक्षिण की ओर थे और पूर्वी फाटक की अलंग पर 1 कोठरी थी जिसका द्वार उत्तर ओर था। उसने मुझसे कहा, यह कोठरी जिसका द्वार दक्षिण की ओर है यह याजकों के लिए है जो भवन की चौकसी करते हैं और जिस कोठरी का द्वार उत्तर ओर है वह उन याजकों के लिए है जो वेदी की चौकसी करते हैं। ये सदोक की संतान है और लेवियों में से यहोवा की सेवा टहल करने को केवल ये ही उसके समीप जाते हैं। फिर उसने आंगन को मापकर उसे चौकोना अर्थात 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा पाया
और भवन के सामने वेदी थी। फिर वह मुझे भवन के ओसारे में ले गया और ओसारे के दोनों ओर के खंभों को मापकर पांच पांच हाथ का पाया और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई तीन तीन हाथ की थी। ओसारे की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ की थी और उस पर चढ़ने को सीढ़ियां थी और दोनों ओर के खंभों के पास लाटे थी।